फैशन शो देखने को मिला जहां पर अमीषा पटेल ने रैंप पर वॉक किया अर्चना कोचर के लिए। पॉन्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला जहां पर नजर आई करिश्मा कपूर। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पिंकथॉन में आई हूँ फॉर पॉन्स, जो मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो वी आर लॉन्चिंग द न्यू स्किन फिट लाइन, ये जो स्पेशली फिटनेस इंथूजियास्ट के लिए है। तो यू नो देर इज़ अ स्किन केयर लाइन जो पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट में यूज़ हो सकता है। तो आई थिंक इट्स अ व्हाट बेटर प्लेटफॉर्म बट पिंकथॉन, जहाँ यहाँ 10,000 लेडीज गैदर्ड हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, और आई थिंक यही है, यही बात पॉन्स भी कहना चाहता है कि हमारे प्रोडक्ट्स तो है ही आपके लिए, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट बींग मेंटली फिट। इट इज़ नॉट ओनली द फिजिकल ब्यूटी, यू आर ब्यूटिफुल द वे यू आर, बट आप मेंटली भी फिट होने चाहिए, नॉट ओनली फिजिकली। आप अपने आप को फिट करने के लिए क्या कुछ करती हैं? वेल, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। तो मैं थोड़ा वर्कआउट भी करती हूँ, मुझे योगा का शौक है, और मैं तो कपूर हूँ जैसे पता है सबको, हमें खाने का बहुत शौक है, तो मैं खाना भी खाती हूँ, लेकिन सब कुछ मॉडरेशन में करना चाहिए लाइफ में। सो आई थिंक दैट्स माय मंत्रा। बच्चों को होने वाला कैंसर अब ला इलाज नहीं है, ये संदेश देने के लिए कैंसर सर्वाइवर किड्स के साथ वरुण धवन, मनीषा कोइराला, जॉनी लिवर, प्रिया दत्त, अयान हाशमी जैसे स्टार पहुंचे। एक्चुअली मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं करूँगा, पर जो मेरे चाचा थे उनको कैंसर की बीमारी हुई थी, विच ही पास्ड अवे विद। सो आई थिंक ये मतलब ये दुनिया भर में एक ऐसी डिजीज़ है विच हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ लाइव्स, बहुत सारी फैमिलीज हैव सफर्ड फ्रॉम दिस। सो बहुत अच्छा लगता है जब सब इंसान साथ में आके इसके लिए कुछ करते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए यार, क्योंकि वो लोग इतने छोटे होते हैं, उनको वो समझ नहीं होती कि क्या हो क्या गया उन्हें। बट दैट्स वाई 70% kids are able to beat cancer most of the time because their willpower and their power to fight the disease is higher usually than older people. Deepika, Ranveer aur Hrithik ne attend kiya U2 concert jahan par ve nazar aaye bahut khush. Mahesh Bhatt dwara Jai Rangam Theatre Festival ka udghatan kiya gaya jahan par ve bataur chief guest bhi nazar aaye. Dekhiye, theater jodne ka kaam karta hai. Theater या कला या सिनेमा या संगीत का जो माध्यम है वो इंसान को एक दूसरे से करीब लाने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। और जब हमारे मुल्क के कोने कोने से थिएटर के फेस्टिवल्स जो हैं मुंबई जैसे शहर में होते हैं, तो वाकई ये एक अपने आप में एक सबूत है कि एंटरटेनमेंट कैपिटल जो है हमारा मुंबई भले हो, मगर इसमें ऊर्जा हमारे बाकी शहरों से, मुल्क के बाकी इलाकों से भरी जाती है।